महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गवा देने के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का, लेकिन दूसरी ही तरफ आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। इसी बीच दशहरा रैली को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव खेमे से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। जीत हासिल की है उद्धव ठाकरे ने, जो शिंदे गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते लंबे वक्त से बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब फैसला आ चुका है कि आखिरकार मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए परमिशन किसे मिलेगी, उद्धव ठाकरे के गुट को या फिर शिंदे गुट को। और ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब बेहद बड़ा झटका दे दिया है शिंदे गुट को। जी हां, शिवसेना के शिंदे गुट को बेहद बड़ा झटका मिल चुका है। मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत उद्धव ठाकरे के गुट को दे दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। शिवसेना के उद्धव गुट से ये वादा लिया गया है कि कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं शिवसेना ने उद्धव ठाकरे गुट से इसकी गारंटी भी ले ली है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि बीएमसी ने उन्हें परमिशन ना देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका को अधिकार का दुरुपयोग करने की फटकार लगाई। वहीं कोर्ट ने कह दिया है कि कानून व्यवस्था को आधार बताकर पिछले 7 दशकों में कभी अर्जी नहीं ठुकराई गई। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने जो शिंदे गुट और ठाकरे गुट इन दोनों को ही मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत ना देकर अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। वहीं बीएमसी के वकील मिलिंद स्टार्डवे ने दलील दी थी कि शिवाजी पार्क पर एक साइलेंट जोन है, वहां होने वाली रैली की वजह से वहां की शांति भंग हो सकती है। कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के गुट के पक्ष में ये बड़ा फैसला आ चुका है। ऐसे में देखा जाए तो शिंदे गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। मालूम हो कि बाला साहेब ठाकरे जी दशहरा रैली का आयोजन बेहद शानदार तरीके से किया करते थे और उद्धव ठाकरे भी हर साल दशहरा रैली को बड़ी धूमधाम से आयोजित करते हुए नजर आए। लेकिन शिंदे गुट ने भी यहां पर इजाजत मांगी, लेकिन परमिशन मिल चुकी है उद्धव गुट को, जो शिंदे गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के।